जिला पुलिस नए संसाधनों के साथ सुसज्जित हो रही है। शनिवार को कंट्रोल रूम में एक नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ड्रोन का परीक्षण किया गया। इस ड्रोन का उपयोग पुलिस के द्वारा बलवा जुलूस के साथ साथ जाम वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। उक्त ड्रोन की जांच पड़ताल पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल SP अनिल सोनकर, CSP की मौजूदगी में किया गया। ड्रोन के उपयोग को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके उपयोग से पुलिस को जहां आरोपियों को चिन्हित करने में सहूलियत होगी, वहीं जाम वाले इलाकों को तत्परता से देखकर जाम खुलवाया जाएगा। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे शहर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन CCTV कैमरे का कितना उपयोग हो रहा है यह तो आप देख ही रहे हैं। ज्यादातर मामलों में कैमरे बंद होने की जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर पुलिस की इस तीसरी आंख को मोतिया बिंद हो चुका है। अब चौथी आंख से शहर में नजर रखी जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं ड्रोन के उपयोग और इसकी तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस प्रकार किया जा रहा है, उसी क्रम में ड्रोन का उपयोग लगातार हम लोग विभिन्न जुलूस में, विभिन्न धरना प्रदर्शन में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि आपने देखा, आज इसका यहाँ पर डेमो और ट्रेनिंग रखी गई थी। इस क्रम में जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है जिले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंडीशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस गैजेट में कितनी रेंज है इसकी और कितने क्या कैसे नई चीज़ें हैं? ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर सकता है और लगभग 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है। अभी जो लोग इसकी ट्रेनिंग करके आए हैं वो इसका और बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी इसमें एडिशन होगा और जानकारियाँ भी मिलेंगी वो भी हम लोग उसको अपडेट करेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी सर? जो अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 लोग अपने चिन्हित कर लिए जो लगातार इसको ट्रेनिंग देने में अपना टाइम दे रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हमारी और भी टीम तैयार हो, इससे कि हमारे पास अच्छी एक स्किल टीम तैयार है जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग करना शुरू कर। सर, शहर में जो लोग CCTV कैमरे हैं वो भी बहुत सारे खराब, जो कैमरे खराब हैं उसके लिए रणनीति हमारी दो पार्ट में चल रही है। एक तो जो वर्तमान कैमरे हैं उनको सुधारने के लिए हमारी एक टीम पैरेलली काम कर रही है। साथ ही साथ अभी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर बाकी जगहों पर भी व्यापक स्तर पर कैमरे से पूरे शहर को कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में आपको उसका एक रूप भी दिखाई देगा। आपको जो है कॉम्बॉक्स में